कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो किस्म की है, स्टैटिक और काइनेटिक। रूल नंबर वन ये था कि अगर आपकी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है, और अगर वो स्लाइड नहीं कर पाती तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये दो चीज़ें हमने की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर। नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर जो मैंने आपको अभी करवाया उसमें रूल नंबर वन ये करवाया कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास एम है, इसका वेट नीचे की तरफ एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम जी। ये पहला रूल है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड एम जी के इक्वल हो जाता है। दूसरा रूल ये है कि अगर मान लो आपको इंक्लाइन प्लेन गिवन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि वेट के दो कॉम्पोनेंट्स ले लेने हैं। तो जैसे ये थीटा, ये वेट एम जी, ये एंगल भी थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन। इंक्लाइन प्लेन के केस में भूलना नहीं है, जो नॉर्मल रिएक्शन एन है वो किसके इक्वल होता है? एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है। पॉइंट नंबर टू। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा रूल था नॉर्मल रिएक्शन का। अगर आपके पास ये एक ट्रॉली है और ये एक ब्लॉक है जिसका मास एम, ट्रॉली आगे एक्सलरेट कर रही है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगती है एम ए, क्योंकि ये वॉल पे सूडो फोर्स लगाती है एम ए, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलता है? एन। तो एन की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है? एम ए। कोई डाउट इसमें? ये रूल हमने किया। फ्रिक्शन की डायरेक्शंस की अगर हम बात करें या नॉर्मल रिएक्शंस की और बात करें, तो आज के लेक्चर में हम ऐसा यूज़ करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, मान लो 5 kg का ब्लॉक है, और अगर मैं ये कहूँ यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या है ग्राउंड के ऊपर, तो क्या आंसर देंगे? मीन यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इस पे क्या लगा रहा है? बोलो आंसर क्या है? 10G। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से सिर्फ 10 kg ही कांटेक्ट में है ग्राउंड के। तो पहला ऑप्शन 10G, दूसरा पूरी की पूरी बॉडी फोर्स लगा रही है ग्राउंड पे, तो आंसर 15G। कितने लोग? 10G। और कितने? 15G। 15G सही है, क्योंकि एक्चुअल में ग्राउंड को उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको एक ब्लॉक ने फोर्स लगाई और उसके ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से तो ये एक ही बॉडी है 15 kg की। बात खत्म। तुम चाहे पीस में लगाओ चाहे एक पीस लगाओ, उसे कोई फर्क ना पड़ता उसे। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर कितना रहेगा? 15G। और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे क्या रहेगा? क्योंकि 5 kg के लिए ये ग्राउंड है, 5 kg के लिए ग्राउंड है, तो आंसर क्या होगा? 5G। क्योंकि ये 5G लगाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 5G। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? जैसे सपोज करो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। पहला ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। बोलो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? 17G। टोटल मास इंटू जी, यहाँ पे क्या लगेगा? 7G, क्योंकि यहाँ पर 7 kg, 7 kg का वेट है 7G, और यहाँ पर 2G। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है यहाँ तक कि ब्लॉक्स के ऊपर अगर ब्लॉक्स पड़े रहेंगे तो हर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, और नीचे यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो टोटल वेट के इक्वल होगा जो ऊपर से इसके ऊपर लग रहा है। कोई डाउट इसमें? और फिर हमने फ्रिक्शन में दो ही रूल सीखे। अगर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करता हूँ, आप न्यूमेरिकल में चेक भी कर लेना, अगर आपकी बॉडी ज़मीन पे स्लाइड कर रही है, सरफेस पे स्लाइड कर रही है, मैंने हमेशा सिखाया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ लगेगी? पीछे, और उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक। तो अगर कोई बॉडी आगे की तरफ क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं है, एक्सेलरेशन है नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं। अगर स्लाइड कर रही है, घिसटती हुई जा रही है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक है और पीछे की तरफ है, बात खत्म। फिर कोई कहते हैं सर आगे कब लेते हैं? दो केस में ही आगे ली। पहली
टायर के केस में नोट कर लेना, हमेशा टायर का एग्जाम्पल होगा, गाड़ी का एग्जाम्पल होगा। एक गाड़ी एक्सलरेट कर रही है, वो हमेशा, वो कभी ब्लॉक के लिए, जब भी ब्लॉक स्लाइड करेगा कभी भी फ्रिक्शन आगे होती नहीं है। अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसको रोकने की कोशिश ही करती है। लेकिन अगर कोई टायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो से चला और थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है और हेल्प करती है इसे आगे जाने में। टायर्स को एक्सलरेट करने में, किसी भी इंसान को चलने में फ्रिक्शन हेल्प करती है, स्लाइड करने में फ्रिक्शन अपोज करती है। और लास्ट एग्जांपल था बेल्ट का, जब एक बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा जाता है, तो भी सिखाया था कि ये इस सरफेस के साथ चल पड़ता है तो फ्रिक्शन इसको हेल्प करती है चलने में। अदरवाइज फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करती है, स्लाइडिंग के केस में काइनेटिक है और वो अपोजिशन में ही रहती है। रहती तो यहाँ भी अपोजिशन में ही है, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किस किस केस में आगे और कहाँ कहाँ हमने पीछे दिया।